दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपके घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है और जो एलपीजी गैस कनेक्शन है उसमें जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर था वो मोबाइल नंबर किसी कारणवश खो गए हैं या फिर जो मोबाइल नंबर आपका एलपीजी गैस कनेक्शन में रजिस्टर्ड है उन्हें आप चेंज करना चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं, तो बहुत ही आसानी से घर बैठे ही आप अपने एलपीजी गैस कनेक्शन में मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। सो घर बैठे खुद से आप ऑनलाइन अपने एलपीजी गैस कनेक्शन में मोबाइल नंबर कैसे चेंज करेंगे, किस तरह से आप अपडेट करेंगे, सो आगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एलपीजी गैस कनेक्शन में मोबाइल नंबर अपडेट या चेंज करने का पूरे प्रक्रिया बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पर आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो आगे हमेशा तरह आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों घर बैठे ही अपने एलपीजी गैस कनेक्शन में मोबाइल नंबर अपडेट यानी चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है माय एलपीजी। माय एलपीजी लिख के इस तरह से सर्च करना है और पहले वाले लिंक पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप पहले वाले लिंक पे क्लिक करें इस तरह से myLPG.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत हो रहा था आपके सहूलियत के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आप जैसे आ जाते हैं दोस्तों तो यहाँ देखिए आपको तीनों कंपनी का सिलेंडर देखने को मिल जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका जो भी कंपनी में कनेक्शन है उस कंपनी के सिलेंडर पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इस वीडियो में आपको भारत गैस का बताने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं भारत गैस लिखा हुआ है, सिंपल आपको भारत गैस पे इस तरह से क्लिक कर देना है। भारत गैस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से आप भारत गैस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं तो यहाँ देखिए आपको कई ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अपडेट कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक दोस्तों तो यहाँ पे देखिए आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी कि जो मोबाइल नंबर अभी रजिस्टर्ड है आपके भारत गैस में वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर मोबाइल नंबर नहीं मालूम है कि कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो ऐसे में आप ये वाले कॉलम को खाली छोड़ के यहाँ पे आप अपना एलपीजी आईडी नंबर एंटर कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है, और उसके बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटर नेम सिलेक्ट करना है जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है। तो आप देख लीजिए जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना कंज्यूमर नंबर एंटर कर लेना है, तो अगर आपको कंज्यूमर नंबर मालूम है तो एंटर कर लीजिए, नहीं तो जो पासबुक दिया है भारत गैस का उस पर कंज्यूमर नंबर दिया रहता है कुछ इस प्रकार से, तो आप यहाँ पे कंज्यूमर नंबर एंटर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा हूबहू वैसे कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू विकल्प पे जैसे ही क्लिक दोस्तों अब यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कराना होगा। अब वेरिफिकेशन कराने का जो प्रक्रिया यहाँ पे कुल जो सो तीन तरीके रखा गया है। पहला तो आप चाहे तो वेरिफिकेशन विथ एसवी सब्सक्राइबर वोचर नंबर एंटर करके आप यहाँ पे वेरिफिकेशन करा सकते हैं, जो कि जो पासबुक दिया गया है भारत गैस का उस पर दिया रहता है तो वहां से देख के भी आप यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन करा लीजिए। या फिर दोस्तों जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और उस मोबाइल नंबर को बदल के जो नया देना चाहते हैं तो जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी के माध्यम से भी आप यहाँ पे वेरिफिकेशन करा सकते हैं या वेरीफाई विथ ईमेल आईडी, जो भी आपको बेस्ट लगता है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन विथ मोबाइल ओटीपी पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इस पर आप इस तरह से क्लिक कर दीजिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक दोस्तों अब आपको जनरेट मोबाइल ओटीपी पे इस तरह से क्लिक कर देना है। जनरेट मोबाइल ओटीपी पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों यहाँ देखिए लिखा जाएगा ओटीपी इज सक्सेसफुली सेंड टू योर मोबाइल नंबर, अब आपको ओके बटन पे इस तरह से क्लिक कर देना है। ओके विकल्प पे जैसे ही क्लिक दोस्तों अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी गया, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर लेना और उसके बाद आपको प्रोसीड विकल्प पे क्लिक कर देना है। या फिर दोस्तों अगर आप ओटीपी का झमेला नहीं चाहते हैं तो ऐसे में आपको बेस्ट यही रहेगा कि यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन विथ एसवी सब्सक्राइबर वोचर ये नंबर के माध्यम से भी आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे, उसके लिए आपको इस पे इस तरह से क्लिक कर देना है और जो आपको पासबुक दिया है उस पासबुक में रहता है कुछ इस प्रकार से वो नंबर यहाँ पे एंटर कर लीजिए और उसके बाद आपको प्रोसीड विकल्प पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड विकल्प पे जैसे ही क्लिक दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, इसमें कुछ जानकारी को मैं ब्लर कराऊं तो उन्हें आप इग्नोर कीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों के आपको पूछा जा रहा है कि आप कौन सा मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका पुराना मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा तो इनको आपको क्या करना है इस तरह से रिमूव कर देना है और जो भी नया मोबाइल नंबर आप एंटर करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है।
नया मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आपसे अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो अगर आप देना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना है और जो भी आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। अगर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर नहीं देना चाहते तो आपको ये कॉलम को खाली छोड़ देना है और उसके बाद आपको प्रोसीड एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड एंड जनरेट ओटीपी पे आप जैसे कि ना दोस्तों, अब इस तरह से लिखा आ जाएगा, ओटीपी इज सक्सेसफुली सेंड टू योर न्यू मोबाइल नंबर एंड अल्टरनेट मोबाइल नंबर। अब आपको क्या करना है, ओके विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ओके विकल्प पे क्लिक करें दोस्तों, तो आपके जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि आपके मोबाइल पे ओटीपी गया होगा और अगर आप अल्टरनेट नंबर दिए तो अल्टरनेट मोबाइल पे भी ओटीपी गया है। तो जो आप नया मोबाइल नंबर दर्ज करना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, उस मोबाइल पे जो ओटीपी गया है वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और अल्टरनेट मोबाइल पे जो ओटीपी गया वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है और उसके बाद आपको वेरीफाई एंड अपडेट पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई एंड अपडेट पे आप जैसे कि ना दोस्तों, अब यहाँ देखिए इस तरह से लिखा जाएगा कि योर रिक्वेस्ट फॉर कॉन्टैक्ट डिटेल चेंज इज प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, प्लीज यूज न्यू कॉन्टैक्ट नंबर फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन, थैंक यू फॉर चूजिंग भारत गैस। अब आपको ओके विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है, जो आपने नया मोबाइल नंबर रजिस्टर किया वो मोबाइल नंबर आपके भारत गैस में रजिस्टर्ड हो गया।